Hello students, how are you? Hope you all are doing well and stay safe at your home. So today we will start our next chapter, chapter 13, the voice of Punch in English reader book. Okay, chapter 13, the voice of Punch, Punch ki awaaz. So now let's start. This extract has been taken from Panch Parmeshwar written by Munshi Premchand. या जो उदाहरण है या जो स्टोरी है या जो है पंच परमेश्वर से ली गई है जिसे मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है. दिस इज द स्टोरी ऑफ टू फ्रेंड्स. या जो स्टोरी है वह टू फ्रेंड्स की है, दो दोस्तों की है, जिसमें एक का नाम था जुम्मन शेख एंड एल्गो चौधरी. ओके, चौधरी एक है जुम्मन शेख और दूसरा है एल्गो चौधरी. सो जुम्मन शेख एंड एल्गो चौधरी आर बूसम फ्रेंड. बूसम मीन्स होता है क्लोज फ्रेंड, है ना. जुम्मन शेख और एल्गो चौधरी जो थे वह बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे, बहुत ही ज़्यादा पक्के, है ना, घनिष्ठ दोस्त थे, मित्र थे. देयर फ्रेंडशिप वॉज सो स्ट्रांग. उनकी जो फ्रेंडशिप थी वह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग थी. दैट वैन आइदर फॉर देम वेंट अवे फ्रॉम द विलेज द अदर लुक्ड आफ्टर हिज फैमिली. उनकी जो फ्रेंडशिप थी वह इतनी स्ट्रांग थी, इतनी क्लोज फ्रेंड थे वे दोनों, कि जब एक गांव से कहीं दूर बाहर जाता था तो दूसरा जो था वह उसकी फैमिली की केयर करता था, उन्हें देखता था. जुम्मन हैड अ मैटरनल आंट. मैटरनल आंट मीन्स, है ना, जो आंट होती है, मदर होती है, उनके साइड की मैटरनल आंट थी. चाहे तो आप चाची या मौसी बोल सकते हैं. ओके, तो जुम्मन जो था उसकी एक मैटरनल आंट थी. सी हैड सम प्रॉपर्टी. उसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, है ना, कुछ संपत्ति थी. जुम्मन असॉल्ट हर टू लुक आफ्टर हर इफ सी ट्रांसफर्ड द प्रॉपर्टी ऑन हिज नेम. जुम्मन जो था, है ना, उसकी मैटरनल आंट थी, वो उसके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, तो जुम्मन ने उसे आश्वासन दिया कि यदि वह उसकी प्रॉपर्टी, उसकी आंट जो है अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम पे कर देती है तो वह उसकी देखरेख करेगा, है ना. सिंस हिज आंट हैड नो चाइल्ड. क्योंकि उसकी जो आंट थी उसकी कोई भी बच्चे नहीं थे. सी ट्रांसफर्ड द प्रॉपर्टी टू हिम विथ एन अंडरस्टैंडिंग दैट ही वुड लुक आफ्टर हर, है ना. जो उसकी आंट थी उसने इस बेस पे उसको अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम पे कर दी कि वह उसकी देखभाल करेगा, है ना. अपनी समझदारी से उसने ऐसा किया. अंटिल दे गॉट द रजिस्ट्री ऑफ द प्रॉपर्टी ऑन देयर ओन नेम जुम्मन एंड हिज वाइफ शुड पे मच अटेंशन टू देयर आंट. जब तक कि उसके नाम पर, जुम्मन के नाम पर उसकी आंट ने वो प्रॉपर्टी नाम नहीं करती, रजिस्ट्री नाम नहीं करती, तब तक वे उसकी बहुत देखभाल करते थे, उसकी बहुत केयर करते थे, ना, उसे बहुत अटेंशन देते थे. एस इट हैड डन ही बिकेम रूड टू हर बिकॉज अ बिटरनेस कैम इन द बिहेवियर्स ऑफ हिज वाइफ एट द लीव ऑफ लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी वॉन्टेड एवरी डे. फिर उसके बाद से जब उसके नाम पे वह संपत्ति कर दी उसने, है ना, प्रॉपर्टी नाम कर दी, तो वे धीरे धीरे उनके बीच एक कड़वाहट आने लगी, है ना. उसकी आंट के, जो मैटरनल आंट थी, उसकी चाची जो थी, और जुम्मन की वाइफ के बीच एक कड़वाहट पैदा होने लगी कुछ खाने को लेकर, है ना, जो वह डेली नहीं चाहती थी. सी स्लोड द एबिसिस एट द टाइम ऑफ गिविंग फूड बाय हिज वाइफ बट व्हेन द पेशेंट्स क्रॉस द लिमिट. बस इतना दुर्व्यवहार होने लगा उसकी मैटरनल आंट के साथ, है ना, उसकी जो जुम्मन की वाइफ थी वह बहुत ही दुर्व्यवहार करती थी, है ना, अनपढ़ों जैसा बिहेवियर करती थी, है ना. एबिकस मीन्स होता है इलिटरेट, मीन्स अनपढ़ों जैसा व्यवहार करने लगी उस खाने को लेकर उसकी वाइफ ने, जुम्मन की वाइफ. जब पेशेंट जो धैर्य खत्म हो गया, है ना, सारी लिमिट क्रॉस हो गई. सो सी स्पोक टू जुम्मन, माई सन आई रियलाइज्ड that I am not like in your house, so I am being illiterate for the couple of month, है ना. उसने जुम्मन से कहा, जो मैटरनल आंट थी अंजुम्मन की, उसने जुम्मन से कहा, माय सन, मेरे बेटे, I realize that I am not like in your house, है ना. मेरे बेटे, मुझे यह एहसास हो गया है कि मैं तुम्हारे घर में हूँ तो तुम दोनों मुझे पसंद नहीं करते हो, कुछ महीनों से मेरे साथ बहुत ही दुर्व्यवहार कर रहे हो. काइंडली गिव मी मंथली अलाउंस टू सो दैट आई कैन मेक माई ओन फूड इन अ सेपरेट किचन. अलाउंस मीन्स होता है अमाउंट या फिर पेंशन, है ना. जो जुम्मन की मैटरनल आंट थी वह चाहती थी कि प्लीज़ मुझे
मंथली अलाउंस दिया जाए, मतलब मंथली कुछ मासिक भत्ता दिया जाए, जिससे मैं अपने स्वयं के किचन में अपना खाना पका सकूं। डस द मनी ग्रो ऑन ट्री, तो जुम्मन बोलता है पैसे क्या पेड़ में उगते हैं। फ्रॉम वेयर विल आई गिव योर मंथली अलाउंस, जो मैं आपको मासिक भत्ता दूं, है ना। बी पेशेंस सेट जुम्मन एंड वेंट आउटसाइड। बी पेशेंस मीन्स धैर्य रखो, जुम्मन ने ऐसा कहा और वहां से बाहर चला गया। दिस मेड हिज आंट वेरी एंग्री एंड सी टुक हर केस टू द विलेज पंचायत, है ना। विलेज पंचायत मीन्स होता है एक कमेटी होती है जो 5 लोगों की होती है, 5 लोगों, 5 लोग उसमें होते हैं ना, 5 मेंबर होते हैं गांव के ही, जिसे पंच बोला जाता है। तो जो वो आंट थी जो जुम्मन की, उसे बहुत गुस्सा आया, है ना। वह गुस्से से बाहर चली गई और अपने केस को कहाँ लेकर गई, अपने मामले को पंचायत लेकर गई। आफ्टर अ फ्यू डेज द पंचायत वॉज हेल्ड अप अंडर एन ओल्ड बनियान ट्री। कुछ दिनों के बाद जो पंचायत थी वह एक बनियान ट्री बरगद के पेड़ के नीचे बैठी। जुम्मन कैम फॉरवर्ड एंड सैड, जुम्मन आगे आया और बोला द पंच इज जस्ट लाइक द गॉड, पंच जो है वह भगवान के रूप में माना जाता है। ही आस्क्ड हिज आंट वोम वुड यू लाइक टू नॉमिनेट एज द हेड ऑफ पंच। नॉमिनेशन मतलब सॉरी, नॉमिनेट मीन्स क्या होता है, प्रपोज या फिर अपॉइंट करना, है ना। तो जुम्मन ने कहा कि अपनी आंट को कहा कि आप किसे अपना, अपने पंच के रूप में, प्रधान पंच के रूप में नाम किसका देना चाहती हैं, है ना। तो आई एक्सेप्ट वॉट एवर द डिसीजन विल बी मेड, और जुम्मन ने कहा उसका निर्णय मुझे स्वीकार होगा। द ओल्ड लेडी डिक्लेयर्ड एल्गो चौधरी द पंच एंड सैड द पंच नोज नन नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी। ओल्ड लेडी जो थी उसने अपना पंच किसे चुना, अपने निर्णय सुनाया कि एल्गो चौधरी को वह अपना पंच नॉमिनेट करती है ना। पर और कहा उसने कि पंच जो है वह ना ही किसी का दोस्त होता है और ना ही किसी का दुश्मन होता है। ईच एंड एवरीबॉडी इज सेम इन द आइज ऑफ द पंच। उसने कहा कि पंच की नजरों में सभी समान होते हैं। जुम्मन कुड नॉट हाइड हिज जॉय एंड एट हर चॉइस ऑफ द पंच एंड सेड आर नॉट यू अवेयर ऑफ अवर बॉन्ड ऑफ फ्रेंड्स, है ना। जुम्मन जो था वह एल्गो चौधरी को पंच नॉमिनेट होते ही वह अपनी खुशी छुपा नहीं कर सका, है ना। वह अपनी खुशी छुपा नहीं सका क्योंकि एल्गो चौधरी और जुम्मन शेख जो थे दोनों बहुत ही क्लोज फ्रेंड थे। तो उसे लगा कि एल्गो चौधरी मेरे ही पक्ष में फैसला सुनाएगा। तो वह जैसे ही ओल्ड लेडी ने, उसकी मौसी ने, चाची ने, यदि सॉरी उसकी चाची ने जैसे ही एल्गो चौधरी को पंच चुना, तो जुम्मन जो था वह बहुत खुश हो गया, है ना। वह अपनी खुशी छुपा नहीं सका और कहा क्या, है ना, और उसने कहा कि क्या आप लोग हमारे फ्रेंडशिप के बारे में नहीं जानते, है ना। अवेयर मीन्स होता है टू नो, है ना, जानना। आई नो दैट रिप्लाइड द ओल्ड लेडी, तो ओल्ड लेडी ने कहा कि मैं जानती हूँ, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। बट द पंच कैन नॉट मेक अनजस्टिस विथ एनी वन एज द गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ द पंच एंड हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, है ना। उसने कहा, ओल्ड लेडी ने कहा कि मैं जानती हूँ बट जो पंच है ना, परंतु जो पंच होता है वह किसी के साथ अन्याय नहीं करता है, क्योंकि पंच के हृदय में भगवान का वास होता है और पंच की आवाज जो है ना, वह भगवान की आवाज होती है ना। उसके दिल में भगवान निवास करता है, भगवान रहता है और उसकी आवाज भगवान की आवाज होती है, ऐसा ओल्ड लेडी ने कहा। नाउ द ओल्ड लेडी एक्सप्लेन्ड हर केस, उसके बाद जो ओल्ड लेडी थी उसने अपने केस को, उसने अपने मामले को विस्तारित रूप में बताया, समझाया। आफ्टर हियरिंग द केस, उसके केस को, उसके मामले को सुनने के बाद एल्गो सेड, एल्गो ने कहा जुम्मन एस वी आर फ्रेंड सो यू आर आंट इज एस डियर टू मी एस सी इज टू यू, है ना। एल्गो चौधरी ने कहा कि जुम्मन तुम मेरे फ्रेंड हो, उसी प्रकार से तुम्हारी आंटी भी मुझे प्यारी है ना। तुम्हारी आंट जो है, तुम्हारी चाची भी है, वह भी मुझे प्यारी है। सिंस सी हैज चूसन मी
टू द पंच, बट उन्होंने मुझे पंच के रूप में चुना है। यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, तो तुम और तुम्हारी आंट है ना, आंटी जो है वह दोनों मेरे लिए बराबर हैं। वुड यू लाइक टू से समथिंग इन योर डिफेंस, है ना, मैं जो है वह तुम दोनों की बात को सुनता हूँ, है ना, उसके बाद ही मैं जस्टिस करूँगा। एट दीज जुम्मन स्टार्टेड, जुम्मन ने कहा है ना, जो एल्गो ने कहा कि क्या तुम अपने पक्ष में कुछ कहना चाहते हो, है ना, वुड यू लाइक टू से समथिंग इन योर डिफेंस, क्या तुम अपने पक्ष में कुछ कहना चाहते हो, तो जुम्मन ने स्टार्ट किया। एट दिस जुम्मन स्टार्टेड, जुम्मन ने बोलना स्टार्ट किया। अ फ्यू ईयर बैक माई आंट ट्रांसफर्ड हर सम प्रॉपर्टी टू मी ऑन दिस प्रोमिस दैट आई विल लुक आफ्टर हर एज लॉन्ग एज सी लिव्ड एंड गॉड नोज दैट आई हैड डन ऑल आई कुड। ओके, उसने कहा कि कुछ सालों पहले है ना, कुछ मतलब बीते समय में, पिछले साल जो है, मेरी आंट ने मुझे कुछ संपत्ति जो है वह मेरे नाम की थी और मैंने यह प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी देखरेख करूँगा, है ना, देखभाल करूँगा, और भगवान जानता है कि मैंने किया है, ऐसा जुम्मन ने कहा। देयर हैव ऑलवेज बीन क्वेरल्स बिटवीन माई वाइफ एंड हर इवन ऑन स्मॉल थिंग्स, उसने कहा कि पर हमेशा से ही मेरी बीवी के बीच में और मेरी आंट के बीच में जो है वह झगड़े छोटी छोटी बातों को लेकर होते थे। वॉट इज माई फॉल्ट, इसमें मेरी क्या गलती है, वॉट कैन आई डू, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना, एंड नो सी वॉन्ट्स मी टू गिव हर मंथली अलाउंस, है ना, और उन्होंने कहा वे अब मासिक भत्ता मांग रही, मंथली अलाउंस मांग रही है। हर क्लेम इज बेसलेस, है ना, उनका जो यह क्लेम है, उन क्लेम मीन्स क्या होता है, डिमांड, है ना, उनका जो दावा है वह बेसलेस है। बेसलेस मीन्स होता है ग्राउंडलेस, मतलब कोई भी आधार ना होना, है ना, उनका यह दावा निराधार है। दिस इज इम्पॉसिबल फॉर मी, मेरे लिए यह असंभव है। जुम्मन वॉज क्रॉस क्वेश्चन बाय एल्गो एंड अदर पंच, जुम्मन जो है वह क्रॉस क्वेश्चन जो है, विपरीत क्वेश्चन जो है वह एल्गो चौधरी से और अदर पंचों से करता है। दे कंसल्ट विथ वन अनदर एंड देन फाइनली एल्गो डिक्लेयर्ड दैट जुम्मन मस्ट गिव हिज आंट मंथली अलाउंस एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर। उसके बाद जुम्मन ने और अन्य पंचों में जो है उन्होंने कंसल्ट किया, अपनी बातचीत की, चर्चा की उस केस को लेकर। उसके बाद एल्गो चौधरी ने फाइनली जो अपना निर्णय सुनाया है ना, डिक्लेयर किया अपना फाइनल रिजल्ट जो है, अपना फैसला जो उसने सुनाया, जुम्मन को कहा कि तुम्हें आंट को, अपनी चाची को मंथली अलाउंस है ना, मासिक भत्ता जो है वह देना ही पड़ेगा, नहीं तो जो संपत्ति उसने तुम्हारे नाम पर की है वह वापस उसी के नाम पर चली जाएगी। दिस मेक जुम्मन फेरियस एंड एल्गो रीड हिज फेस, बट एल्गो वाज क्वाइट हैप्पी दैट पंच हैज नो फ्रेंड, है ना, एल्गो जो था उसने ऐसी बात बोली कि तुम्हें मासिक भत्ता देना ही पड़ेगा, नहीं तो संपत्ति वापस तुम्हारी आंट के नाम पे ही चली जाएगी, तो जुम्मन जो था वह बहुत ही गुस्सा हो गया ना। फेरियस मीन्स होता है एंग्री, है ना, जुम्मन जो है वह क्रोधित हो गया और एल्गो ने उसके फेस को जो है वह रीड कर लिया, पढ़ लिया कि इसे बहुत गुस्सा आ रहा, पर वह बहुत ही खुश हुआ और शांत रहा, क्योंकि पंच हैज नो फ्रेंड, पंच का कोई भी फ्रेंड नहीं होता। गॉड लिव्स इन द हार्ट ऑफ पंच एंड ही हिमसेल्फ स्पीक इन द वॉइस ऑफ पंच, उसने कहा कि पंच जो है, पंच के हृदय में भगवान का निवास होता है, भगवान रहते हैं और पंच की आवाज़ जो होती है वह भगवान की आवाज़ होती है। ऑल थॉट ही लॉस्ट हिज फ्रेंड, मैंने अपना दोस्त खो दिया, ही डिड नॉट रिपेंट ऑन हिज जस्टिस, रिपेंट मीन्स क्या होता है, टू रिग्रेट, है ना, उसने कहा कि मैंने अपना दोस्त खो दिया परंतु मुझे इसका कोई भी अफसोस नहीं है क्योंकि मैंने न्याय किया। ओके, तो इस प्रकार से यह जो चैप्टर है वह बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, आप फिर से इसे रीड कीजिएगा एक बार। ओके, दो क्लोज फ्रेंड की कहानी जो दी हुई है, एक बार इसको फिर से रीड कीजिएगा, और जो भी इस चैप्टर में डिफिकल्ट वर्ड आए हुए हैं उनकी ये जो मीनिंग दी हुई है आपको यहाँ पर नीचे, उसे आप रीड कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव अ गुड डे।